गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत है। आज हम BSc फर्स्ट ईयर विषय पर्यावरण इंजीनियरिंग सेक्टर पर्यावरण अध्ययन के विषय वस्तु व शिक्षण विधियों के अंतर्गत आदमी परिवार में पुरुष की भूमिका के बारे में चर्चा करेंगे, जिसकी शुरुआत कर परिवार में नारी के समान पुरुष को भी अनेक भूमिकाएँ पुरुष की भी अनेक भूमिकाएँ होती है जो निम्नलिखित है। नंबर 1, पिता के रूप में। नंबर 1, पिता के रूप में। परिवार में माता के समान पिता की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण है। परिवार का संपूर्ण दायित्व पिता के कंधों पर ही होता है। पिता संपूर्ण परिवार के लिए शिक्षा, मनोरंजन तथा भोजन आदि की आवश्यकताओं की पूर्ति के साधन एकत्र करता है। परिवार में माता के समान पिता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। परिवार का संपूर्ण दायित्व पिता के कंधों पर होता है। पिता संपूर्ण परिवार के लिए शिक्षा, मनोरंजन तथा भोजन आदि सभी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए साधन एकत्र करता है। नंबर 2, पति के रूप में। पति के रूप में पुरुष का प्रथम दायित्व पत्नी को मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना तथा उसके आधारभूत आवश्यकताओं का पूर्ण करना भी है। पति के रूप में पुरुष पत्नी के सुख दुख बांटकर सुखी जीवन जीता है। अतः पुरुष को चाहिए कि पत्नी को सदैव सुख दुख का साथी बनाए तथा पति धर्म की ईमानदारी से निर्वाह करे। नंबर 3, पुत्र के रूप में। पुत्र के रूप में पुत्र के रूप में पुत्र के रूप में पुरुष को प्रत्येक स्थिति में माता पिता के साथ सम्मान का व्यवहार करना चाहिए तथा उनका मार्गदर्शन प्राप्त करके जीवन भर उनकी सेवा करना चाहिए। अर्थात पुत्र रूपी धर्म को पूर्ण रूपे निभाना चाहिए। नंबर 4, भाई के रूप में। परिवार में यदि बालक सबसे बड़ा है तो वह छोटे भाई बहन का पिता के समान ध्यान रखना चाहिए तथा उनकी आवश्यकता पूर्ति का प्रयत्न करना चाहिए। इसी प्रकार छोटा भाई होने पर बड़े भाई बहनों का अनुसरण करके पारिवारिक संस्कारों का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए तथा उन्हें आगे बढ़ाना भी चाहिए। नंबर 5, संगी साथियों में संबंध। नंबर 5, संगी साथियों में संबंध। संगी साथियों में संबंध घर के बाहर पास पड़ोस विद्यालय उद्यान तथा खेल के मैदान आदि स्थानों पर बालक अपने परिवार के सदस्यों के अलावा अपने हम उम्र बालकों के संपर्क में आता है। अतः यह आवश्यक है कि बालक अपने संगी साथियों के साथ समान बने।
बनाए रखे, साथ सम्मान या संबंध बनाए रखे, पारिवारिक कर्तव्यों तथा उत्तरदायित्व को निभाने के लिए परिवार के सभी सदस्यों को अपने अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। यदि परिवार में एक भी सदस्य अपने उत्तरदायित्व का किसी भी प्रकार से निर्वहन नहीं करता है तो परिवार का विघटन हो सकता है। परिवार के प्रत्येक सदस्य को अपनी योग्यता तथा क्षमता के अनुसार पारिवारिक दायित्व को पूर्ण करने में सहयोग करना चाहिए। आज हमने परिवार में पुरुष के प्रमुख जो कर्तव्य हैं उन कर्तव्यों के बारे में हमने या कर्तव्य या भूमिका है वो हमने अध्ययन किया है। कल हम समाज में निर्माण समाज के निर्माण में व्यक्ति की भूमिका से अपने दिन की शुरुआत करेंगे। आज इतना ही।